नमस्कार एंड वेलकम टू इंडिया ग्लोबल स्टडी। आज का हमारा टॉपिक रहेगा हरियाणा का इतिहास। तो बिना किसी देरी के साथ हम शुरू करते हैं वीडियो को। तो इसमें हरियाणा के इतिहास में पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, हरियाणा शब्द का अर्थ है भगवान, जो कि संस्कृत शब्द हरि हिंदू देवता विष्णु आयन निवास से मिलकर बना है। हरियाणा शब्द का अर्थ क्या है, भगवान जो कि संस्कृत शब्द हरि हिंदू देवता विष्णु जो है आयन निवास से मिलकर बना है। पुराने समय में हरियाणा का प्रादेशिक नाम क्या था, ब्रह्मावर्त था। पुराने समय में हरियाणा का प्रादेशिक नाम क्या था, ब्रह्मावर्त था। पुराने समय में हरियाणा को बर्मा ऋषि प्रदेश कहा जाता था। पुराने समय में हरियाणा को क्या कहा जाता था, बर्मा ऋषि प्रदेश कहा जाता था। पुराने समय में हरियाणा को बर्मा जी की उत्तर वेदिका कहा जाता था। पुराने समय में बर्मा जी को क्या कहा जाता था, बर्मा जी को उत्तर वेदिका कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर पांचवा हमारा क्या है, मनुस्मृति में सरस्वती और दृष्टवती नदी के मध्य में स्थित प्रदेश ब्रह्मवर्त हरियाणा था। पांचवें में क्या कह रहा है, मनुस्मृति में सरस्वती और दृष्टवती नदी के मध्य में स्थित प्रदेश ब्रह्मवर्त, प्रदेश कौन सा था, ब्रह्मवर्त हरियाणा था। हरियाणा को आदि सृष्टि का जन्म स्थान भी माना जाता है। हरियाणा को क्या माना जाता है, आदि सृष्टि का जन्म स्थान भी माना जाता है। हरियाणा को हरियाणा चाहमन ग्रंथ में कहा गया है। हरियाणा को हरियाणा किस ग्रंथ में कहा गया है, चाहमन ग्रंथ में कहा गया है। हरियाणा की प्रकृति की उत्पत्ति ब्रह्मा जी पालन, हरियाणा की प्रकृति की उत्पत्ति ब्रह्मा जी पालन पोषण करने वाले विष्णु जी। हरियाणा की प्रकृति की उत्पत्ति किसे कहा गया, ब्रह्मा जी, और पालन पोषण करने की पालन को पोषण करने वाले को क्या कहा गया है, विष्णु जी कहा गया है। महाभारत काल में लगभग 900 ईसा पूर्व हरियाणा का नाम बहुधान्यक, महाभारत काल में लगभग 900 ईसा पूर्व पहले हरियाणा का नाम बहुधान्यक था। बहुधान्यक अत्यंत समृद्ध भूमि कुरुओं द्वारा उपजाई गई भूमि है। बहुधान्यक क्या है, अत्यंत समृद्ध भूमि है जो कुरुओं द्वारा उपजाई गई भूमि थी। महाभारत के समय में राजा कुरु के नाम पर कुरुक्षेत्र को आर्यवर्त कहा जाता था। महाभारत के समय में राजा कुरु के नाम पर कुरुक्षेत्र को आर्यवर्त कहा जाता था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 हमारा क्या है, ऋग्वेद काल में हरियाणा का नाम रज हरियाणे, ऋग्वेद काल में हरियाणा का नाम क्या दिया गया है, रज हरियाणे कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 12, महाराज कृष्ण ने हरियाणा को कहा हरना, महाराज कृष्ण ने हरियाणा को क्या कहा, हरना। हरना का अर्थ क्या होता है, लूटना। बाण भट्ट ने हरश्चरित में हरियाणा को क्या कहा, श्रीकंठ जनपद। बाण भट्ट ने हरश्चरित में कुरुक्षेत्र को कहा श्रीकंठ जनपद। बाण भट्ट ने हरश्चरित में हरियाणा को कहा श्रीकंठ जनपद और बाण भट्ट ने हरश्चरित में कुरुक्षेत्र को कहा जनकंठ जनपद। हरियाणा का शब्द अर्थ है, हरियाणा शब्द का अर्थ क्या है, भगवान का वास। हरियाणा शब्द का अर्थ है भगवान का वास। रज हरियाणे शब्द का उल्लेख ऋग्वेद के 8वें मंडल में है। रज हरियाणे शब्द का उल्लेख ऋग्वेद के कौन से मंडल में है, तो 8वें मंडल में है। इस प्रदेश की उत्पत्ति देवताओं से हुई है, यह अर्थ वेद और मनुस्मृति के अनुसार माना जाता है। इस प्रदेश की उत्पत्ति देवताओं से हुई है, इस प्रदेश हरियाणा प्रदेश की उत्पत्ति किससे हुई है, देवताओं से हुई है, यह अर्थवेद और मनुस्मृति के अनुसार माना जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, इस प्रदेश को ब्रह्मो प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। इस प्रदेश को ब्रह्मो प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। हरियाणा प्रदेश वैदिक काल में आर्यवर्त का एक भाग था। हरियाणा प्रदेश वैदिक काल में क्या था, आर्यवर्त का एक भाग था। क्वेश्चन नंबर 19 हमारा क्या है, हरियाणा का जो योद्धेय काल और महाभारत काल में बहुधान्यक कहा गया था। हरियाणा को योद्धेय काल और महाभारत काल में बहुधान्यक कहा गया था। बहुधान्यक के बहुत अर्थ हैं। बहुधान्यक के क्या है, बहुत सारे अर्थ हैं। कौन कौन से है, बहुत सारा अनाज, अनाजों की भूमि, अत्यंत अधिक समृद्ध भूमि, ये इसके अर्थ है। कुछ कुरु जंगल नाम बहुधान्यक का पुराना नाम है। कुरु जंगल जो नाम है वो बहुधान्यक का क्या है, पुराना नाम है। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, श्रीकंठ जनपद 6वीं-7वीं शताब्दी के आसपास कुरुक्षेत्र का क्षेत्र कहलाने लगा। श्रीकंठ जनपद जो था
वो छठवीं और सातवीं शताब्दी के आसपास, छठवीं और दो जो सातवीं शताब्दी थी उसके आसपास कुरुक्षेत्र का क्षेत्र कहलाने लगा। हरियाला नाम हरियाली के कारण नौवीं शताब्दी में पड़ा था। हरियाला नाम कब पड़ा था? हरियाला नाम हरियाली के कारण, हरियाली जो है हरियाली के कारण नौवीं शताब्दी में पड़ा था। क्वेश्चन नंबर 22 क्या है? शंखदनु राम में कुरुक्षेत्र को हरिक्षेत्र, हरि क्षेत्र के नाम से पुकारा गया है। शकंदपुराण में कुरुक्षेत्र को हरि क्षेत्र के नाम से पुकारा गया है। वर्ण मिलता है उसका, क्या मिलता है? वर्ण मिलता है शकंदनु पुराण, यहाँ पे कटा हुआ था ऊपर, यहाँ पे सही नाम दिया हुआ है। शकंदनु पुराण में हरियाणा का नाम हरियाणा मिला था। स्कंदनु पुराण में क्या है? हरियाणा का नाम क्या मिला था? हरियाणा मिला था। देवभूमि के नाम से आर्य हरियाणा को जानते हैं, देवभूमि के नाम से आर्य है जो हरियाणा को जानते हैं। वैदिक काल में हरियाणा पौराणिक भरतवंश की मातृभूमि माना गया है। वैदिक काल में हरियाणा का पौराणिक भरतवंश की मातृभूमि माना गया था। पासनाउ सरयू पुस्तक में, ये पुस्तक का नाम है पासनाउ सरयू, पुस्तक में हरियाणा को हरियाणाए नाम से जाना गया है। उस पुस्तक में हरियाणा को क्या जान किस नाम से जाना गया है? हरियाणाए नाम से जाना गया है। यह पुस्तक जैन कवि विबुध श्रीधर की है, यह पुस्तक जो है जैन कवि है जो विबुध श्रीधर की है। अग्रोहा को जैन धर्म का प्रमुख केंद्र माना गया है। अग्रवा को क्या माना गया? जैन धर्म का प्रमुख केंद्र माना गया है। क्वेश्चन नंबर 27 क्या है? हरितानक शब्द का प्रयोग हरियाणा के लिए, हरितानक शब्द है उसका प्रयोग क्या है हरियाणा के लिए? बिजोलिया राजस्थान में एक शिला लेख पर मिला है। बिजोलिया कोई राजस्थान में, बिजोलिया जगह है वहाँ कोई शिला लेख पर लिखा मिला है। क्वेश्चन नंबर 28 हरियाणक शब्द का प्रयोग पालम दिल्ली, हरियाणक जो शब्द है उसका प्रयोग पालम दिल्ली बावली के लेख में मिला है। पालम कोई स्थान है दिल्ली में, वहाँ पे बावली के लेख में मिला है। अब क्वेश्चन नंबर 29 अखंड प्रकाश पुस्तक में हरियाणा के लिए हरिवाणक शब्द का प्रयोग किया गया। अखंड प्रकाश कोई पुस्तक का नाम है, उसमें हरियाणा के लिए हरिवाणक शब्द का प्रयोग किया गया है। यह पुस्तक धरणीधर की है, यह पुस्तक किसकी है? धरणीधर की है जिसने इसको लिखा है। हरिवाणक को हरिवंका भी कहते हैं। हरिवाणक को क्या कहते हैं? हरिवंका भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 चौहान शासक हर राय राणा से हरियाणा शब्द की उत्पत्ति कुछ विद्वान मानते हैं। चौहान शासक हर राय राणा से हरियाणा शब्द की जो उत्पत्ति है कुछ विद्वान मानते हैं कि इसकी उत्पत्ति है। क्वेश्चन नंबर 31 प्राचीन समय में हरियाणा में 10 बड़े दुर्ग मतलब किले, 10 बड़े किले होते थे। दशारण का अर्थ है 10 किले, दशारण का क्या अर्थ है? 10 किले। हरियाणा का इतिहास वैदिक सभ्यता ऋग वैदिक ये हरियाणा के इतिहास से संबंधित साहित्य स्रोत हैं। हरियाणा का इतिहास है जो वैदिक सभ्यता ऋग वैदिक ये हरियाणा के इतिहास से संबंधित साहित्यिक स्रोत हैं। क्वेश्चन नंबर 33 पंडित विबुध श्रीधर ने 12वीं शताब्दी में हरियाणा शब्द का प्रयोग पहली बार किया था। पंडित विबुध श्रीधर ने 12वीं शताब्दी में हरियाणा का शब्द प्रयोग पहली बार किया था। हरियाणा क्षेत्र में भरत वंश के पराक्रमी राजा हुए थे। क्वेश्चन नंबर 34 में क्या है? हरियाणा क्षेत्र में भरत वंश के पराक्रमी राजा हुए थे। क्वेश्चन नंबर 35 सरस्वती और दृष्टवती नदियां हरियाणा में पवित्र मानी जाती है। जो सरस्वती और दृष्टवती नदियां हैं जो हरियाणा में पवित्र मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 36 ऋग्वेद हरियाणा का प्राचीन महाकाव्य है, ऋग्वेद है जो हरियाणा का प्राचीन महाकाव्य है। क्वेश्चन नंबर 37 कुरुक्षेत्र में प्राचीन ग्रंथ महाभारत वेद व्यास के द्वारा लिखा गया था। कुरुक्षेत्र में जो प्राचीन ग्रंथ था महाभारत वेद व्यास के द्वारा लिखा गया था।
क्वेश्चन नंबर 38, अहिराणा हरियाणा का अपभ्रंश, अहिरावण अहिराणा है जो हरियाणा का अपभ्रंश है। थानेश्वर, थानेश्वर कुरुक्षेत्र का प्राचीन नाम था, कुरुक्षेत्र का प्राचीन नाम क्या था, थानेश्वर था। क्वेश्चन नंबर 39, कमलनाथ तीर्थ वर्तमान कुरुक्षेत्र में इस स्थान पर भगवान ब्रह्मा ने तपस्या की थी। जो ये स्थान है कमलनाथ तीर्थ वर्तमान कुरुक्षेत्र में इस स्थान पर भगवान ब्रह्मा ने तपस्या की थी। क्वेश्चन नंबर 40, भारतीय संस्कृति व सभ्यता का पालन ब्रह्म सरोवर हरियाणा को कहते हैं, भारतीय संस्कृति व सभ्यता का पालन ब्रह्म सरोवर हरियाणा को कहते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 41 है, लघु रूप महासागर अबुल फजल ने, लघु रूप महासागर अबुल फजल ने ब्रह्म सरोवर को कहा था। लघु रूप जो महासागर है अबुल फजल है जो उन्होंने ब्रह्म सरोवर को कहा था। ब्रह्म सरोवर का उल्लेख अलबरूनी की पुस्तक किताब उल हिंद में मिलता है। ब्रह्म सरोवर का उल्लेख कहाँ मिलता है, अलबरूनी की पुस्तक, अलबरूनी जो है लेखक है उसकी पुस्तक या किताब उल, किस किताब का नाम क्या, किताब उल हिंद में मिलता है। क्वेश्चन नंबर 43, ब्रह्म सरोवर के किनारे वर्मा जी ने तपस्या की थी, ब्रह्म सरोवर के किनारे किसने तपस्या की थी, वर्मा जी ने की थी। यह भी कुरुक्षेत्र है, यह भी क्या है, कुरुक्षेत्र है। क्वेश्चन नंबर 44, नाभी कमल तीर्थ वर्तमान कुरुक्षेत्र में है, नाभी कमल तीर्थ वर्तमान कुरुक्षेत्र में है। यह कुरुक्षेत्र के थानेश्वर में है, यह कहाँ है, कुरुक्षेत्र के थानेश्वर में है। क्वेश्चन नंबर 45, हरियाणा पौराणिक भरत वंश की जन्मभूमि माना गया है, हरियाणा क्या है, पौराणिक भरत वंश की जन्मभूमि माना गया है। इसी कारण भारत देश का नाम भारत पड़ा था, इसी कारण भारत देश का नाम क्या पड़ा था, भारत पड़ा था। हरियाणा का इतिहास वैदिक काल से शुरू होता है, हरियाणा का इतिहास किस काल से शुरू होता है, क्वेश्चन आ जाए तो लिखोगे वैदिक काल से शुरू हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 47, राजस्थान के लाडनू अभिलेख में हरियाणा को राजधानी दिल्ली की बताया गया है, राजस्थान के लाडनू अभिलेख में हरियाणा को राजधानी दिल्ली भी बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 48, महाभारत में कर्ण का संबंध हरियाणा के करनाल जिले से है, महाभारत में कर्ण का संबंध हरियाणा के करनाल जिले से है। क्वेश्चन नंबर 49, अग्रोहा प्राचीन स्थल बुद्ध धर्म का महत्वपूर्ण केंद्र था, अग्रोहा प्राचीन जो स्थल है वो बुद्ध धर्म का महत्वपूर्ण केंद्र था। क्वेश्चन नंबर 50, बहुधान्यक रोहतक का उपक्षेत्र था, बहुधान्यक जो था रोहतक का क्या था, उपक्षेत्र था। योद्धा काल में बहुधान्यक रोहतक का उपक्षेत्र था। क्वेश्चन नंबर 51, नौवीं शताब्दी में पेहोवा घोड़ों का व्यापारिक केंद्र था, नौवीं शताब्दी में व्यापारिक केंद्र क्या था, पेहोवा घोड़ों का था। तो इसी के साथ हमारे ये क्वेश्चन हरियाणा जी के कुछ क्वेश्चन थे, 51 क्वेश्चन थे, ये कंप्लीट होते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, ये आपके ग्रुप डी में अब आने वाले पेपर हैं उनमें आपको बहुत काम देगी, हरियाणा का इतिहास था इसमें। तो आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और आगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि और बच्चों को भी इसका फ़ायदा मिल सके। जय हिंद जय भारत, बहुत जल्द मिलेंगे अगली वीडियो के साथ।